होने जा रहा है बवाल गुरु और चेले के बीच में। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 31 मार्च को भोला और दशरा रिलीज होने जा रही हैं और ये दोनों मूवी एक दूसरे के साथ क्लैश करेंगे तो बवाल तो मचेगा ही। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों मेरे एक और यूट्यूब के वीडियो में, और आज हम लोग बात करेंगे भोला और दशरा के बॉक्स ऑफिस क्लैश के बारे में। दोस्तों मैं इन दोनों मूवियों के बारे में साइड बाय साइड आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। पहले बात करते हैं बॉलीवुड मूवी भोला के बारे में। ये साउथ की मूवी कैथी का ऑफिशियल रीमेक है। ये इस मूवी का बैकग्राउंड यूपी पे बेस्ड है और इसमें अजय देवगन आपको एक एक्शन रोल में दिखेंगे। अब आ जाते हैं दशरा मूवी। ये एक तेलुगु पैन इंडिया मूवी है जिसमें कोल माइनिंग पे बेस्ड है। इसमें नानी का एक मासी और देसी अवतार दिखेगा और ये मूवी हिंदी तमिल तेलुगु कन्नड़ भाषा में रिलीज होगी। वहीं हम भोला आपको हिंदी भाषा में रिलीज होगी। भोला मूवी में आपको अजय देवगन और तब्बू मेन लीड में दिखेंगे। इस मूवी को डायरेक्ट भी अजय देवगन ही कर रहे हैं। वहीं दशरा की बात कर लें तो इस मूवी में आपको नानी मेन लीड में दिखेंगी जो पैन इंडिया मूवी में डेब्यू करने जा रहे हैं। वहीं उनके साथ ऋतिक सुरेश भी दिखेंगे और इस मूवी का डायरेक्शन श्रीकांत अडोला कर रहे हैं और इस मूवी का बजट लगभग 70 से 80 करोड़ है। वहीं भोला का बजट 100 से 120 करोड़ बताया जा रहा है। अब आ जाते हैं इन दोनों मूवी को कितनी स्क्रीन्स मिली हैं। पहले बात करते हैं भोला की। भोला को लगभग 3500 से 4000 स्क्रीन मिली हैं और वहीं दशरा की बात करें तो इसे 4000 से 4500 स्क्रीन मिली हैं, जिसमें 1200 स्क्रीन तो खैर इसके हिंदी भाषा के लिए मिली है। अब आ जाते हैं इन दोनों मूवी को एडवांस बुकिंग के बारे में। पहले बात करते हैं भोला की। भोला का पहले दिन का एडवांस बुकिंग 40 लाख का है, दूसरे दिन का 80 लाख का है, तीसरे दिन का 1 करोड़ का। अगर भोला के 5 दिनों का एडवांस बुकिंग जोड़ा जाए तो 2 करोड़ 50 लाख हो जाता है। वहीं दशरा की बात किया जाए तो इसके 4 दिन का एडवांस बुकिंग 2 करोड़ 40 लाख हो चुका है और भोला का मैं इसमें एडवांस बुकिंग 3D IMAX की जोड़ के भी बता रहा हूँ। अगर भोला की बात करें तो भोला कहती कि ऑफिशियल रीमेक है लेकिन अजय देवगन साहब ने इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। वहीं दशरा की बात करें तो दशरा एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। इन दोनों मूवियों के ट्रेलर टीजर को लोगों ने काफ़ी पसंद किया था और पब्लिक का इसका अच्छा रिस्पांस मिला था। अगर ये रिस्पांस मूवी को रिलीज होने के बाद भी मिलता है तो क्या पता ये दोनों मूवी अपने कलेक्शन में काफ़ी सारा उछाल देखने को मिले। वहीं अगर भोला की बात करें तो भोला अगर अच्छा करती है तो पठान के बाद वो बॉलीवुड को ऑक्सीजन देने का काम करेगी। फिल्म की मौत पब्लिकेशन से फिल्म नहीं चल जाती, इसका उदाहरण है कपिल शर्मा की मूवी और रानी मुखर्जी की मूवी, जिसका कलेक्शन 1 करोड़ से ऊपर भी नहीं हो पा रहा है पर डे की बात किया जाए तो। इसलिए आज की डेट में मूवी में एक मासी एक्शन होना बहुत ज़रूरी है, जो इन दोनों मूवियों को ट्रेलर देखने के बाद आपको लगता है कि है इसमें। वैसे भी इन दोनों मूवी की आज की डेट में हाइप बहुत ज़्यादा है। अब तो रिलीज के बाद ही पता चलेगा कि गुरु आगे निकला कि चेला। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कोई कमी होगी तो कमेंट करके ज़रूर हमको बताइएगा। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।